अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, लेकिन भारत मानवता की जन्मभूमि है। प्रेम महान है, प्रेम उदार है, प्रेमियों को भी वो उदार और महान बनाता है। प्रेम का मुख्य अर्थ है आत्मत्याग। जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को दबा देना सबसे बड़ी हानि है। क्षमा पर केवल मनुष्य का अधिकार है, वो हमें पशु के पास नहीं मिलती। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं रहते। समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। पढ़ाई सभी कामों में सुधार लाना सिखाती है। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है। निंद्रा भी कैसी प्यारी वस्तु है, घोर दुख के समय भी मनुष्य को यही सुख देती है। दरिद्रता सब पापों की जननी है, तथा लोभ उसकी सबसे बड़ी संतान है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ। प्रश्न स्वयं कभी किसी के सामने नहीं आते। संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि ये जगत ही नरक है। स्त्री जिससे प्रेम करती है उसी पर सर्वस्व वार देने को प्रस्तुत हो जाती है। हम जितनी कठिनता से दूसरों को दबाए रखेंगे उतनी ही हमारी कठिनता बढ़ती जाएगी। सत्य इतना विराट है कि हम क्षुद्र जीव व्यवहारिक रूप से उसे संपूर्ण ग्रहण करने में प्रायः असमर्थ प्रमाणित होते हैं। जिसकी भुजाओं में दम ना हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना ही चाहिए। मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग है। हृदय में जितना ये घुसता है उतनी कटार नहीं। स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। निष्फल क्रोध का परिणाम होता है रो देना। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को सींचता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता। ये जिसने हासिल कर ली उसका जीवन सार्थक हो गया। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के जरिए शुद्ध हो सकता है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। पुरुष है कुतूहल व प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। केवल महत्ता का प्रदर्शन मन पर अनुचित प्रभाव का बोझ है। राजा अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ है तब भी उस राज्य की रक्षा होनी ही चाहिए। संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। मानव मनोवृत्तियां प्रायः अपने लिए एक केंद्र बना लिया करती हैं, जिसके चारों ओर वो आशा और उत्साह से नाचती हैं। स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है प्रसन्नता।
दोस्तों, हिंदी छायावादी युग के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी के विचारों में से आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।